नमस्कार गुड इवनिंग आई वेलकम यू इन दिस मास्टरी सेशन आई एम अनुकूल मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ पे सक्सेस और फेलियर हर मिनट हर सेकंड देखी जाती है एक बार कोका कोला के चेयरमैन ने कहा एक इंटरव्यू में कि वी आर पेड टू प्रोड्यूस रिजल्ट वी वी डोंट गेट पेड टू जस्ट बी राइट तो राइट थिंग और रिजल्ट्स में बहुत फर्क है हम फिलासफी की क्लास में नहीं है हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे रिजल्ट्स मायने रखता है आप बचपन से अपने आप को देखें चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो बहुत अच्छे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं और बहुत ऑर्डनरी लोग हैं जो ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं वाई बिकॉज दे प्रोड्यूस रिजल्ट दे पेड हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री एंड कुछ लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है ये आदमी तो बहुत अच्छा है इसकी कोई पूछ नहीं है और ये आदमी देखो देखने में कैसा है ये ये कैसे बातें कर रहा है एंड ही इज पेड हाइएस्ट सो आप ठीक सोच रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेस एंड फेलियर मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल किया है स्कूल में मैं जब आठवीं क्लास में था यू विल सरप्राइज हाफ ईयरली एग्जाम थी और मैथमेटिक्स में मुझे जीरो नंबर आए थे मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा बट उस टीचर ने मेरी कॉपी को मेरे चेहरे पे फेंका था और उसने कहा मिस्टर मनुकोल यू आर जीरो तुम कुछ नहीं कर सकते योर फ्यूचर इज डार्क आई वॉज स्टंड मुझे जिंदगी में जीरो कभी नहीं आया था चाहे वह किसी क्लास में था ये पहली बार मेरी लाइफ में जीरो आया जो मुझे बहुत बुरा लगा मैं जब घर गया तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड मेरी माँ ने मुझे कहा क्या हुआ मनुकुल वॉट हैपन मैंने कहा माँ मुझे मैथमेटिक्स में जीरो आया है मेरी माँ ने जब कॉपी देखी तो उसमें डबल जीरो था डबल जीरो बाई हंड्रेड मेरी माँ ने अपनी कलम से उस डबल जीरो के पहले एक लिख दिया और कहा देखो ये क्या है मैंने कहा हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड माँ ने कहा यही तुझे लाना है जीरो का जवाब हंड्रेड से हो सकता है ओनली आई हैव टू चेंज मैंने कहा मैंने मां से पूछा माँ ये कैसे होगा मेरी टीचर ने तो कहा मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी कान माँ ने कहा देखने का ढंग बदल दो जस्ट यू चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द फेलियर अभी जो तुझे जीरो जीरो दिख रहा है वो तुझे हंड्रेड दिखना चाहिए लाइफ so में फेल्योर्स भरा है हर इंसिडेंट्स में हर कदम पे फेल्योर मिलेगा अब हमें डिसाइड करना होगा कि हम उसे दिल पे लेते हैं या दिमाग से देते हैं अगर मैं फेल्योर को दिल से ले रहा हूं तो फिर मैं डिप्रेशन में जाऊंगा फिर मुझे फटीग होगी और मैं एक ऐसे साइकिल में फंसूंगा जहां पे मैं अपना अपनी जिंदगी को भूल जाऊंगा एंड समाइम आत्महत्या समटाइम ड्रग एडिक्शन सो दैट इज नॉट द वे टू लीड द लाइफ और दूसरा एक ऑप्शन है कि मैंने उस फेलियर को अपने दिमाग से लिया तो जो आदमी अपने फेलियर को दिमाग से लेगा वो अपनी वैल्यू सिस्टम पे काम करेगा अपनी रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करेगा और अपनी परफॉर्मेंस सिस्टम पे काम करेगा चूंकि जिंदगी के तीन ही चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ वैल्यू वट इज़ माई वैल्यू एंड हाउ आई रेट माई सेल्फ टूडे वेन आई मेट फेलियर इन माई लाइफ क्या मैं इससे छोटा हो गया क्या एक बार मुझे जीरो नंबर आया तो क्या मैं एकदम खत्म हो गया कितनी बार लाइफ में मैं गिरा हूं उसके बाद उठा हूं सो so मैं उस वैल्यू को कैसे देखता हूं दूसरा मैं अपने मन से पूछूंगा अपने दिमाग से कि क्या इस जीरो नंबर लाने में या फेल होने में मैंने एफोर्ट कितना लगाया था वॉट वॉज माई एफोर्ट सो अगर जीरो नंबर भी आया है तो आई विल प्रेज माई एफर्ट आई विल नॉट डिमोटिवेट माई सेल्फ एंड I will reward myself accordingly to my results. अगर मुझे जीरो नंबर आया है तो मैं रिवॉर्ड नहीं लूंगा ये मोटो होना चाहिए रिवॉर्ड मैं तब लूंगा जब मैं हंड्रेड जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा सो so रिवॉर्ड पे कटौती होनी चाहिए लेकिन रिवॉर्ड पे रिव्यू होना चाहिए लेकिन मैं वैल्यू सिस्टम पे और अपने एफर्ट पर कोई डाउट नहीं करूंगा इसलिए कभी भी फेल्यूर को अपने हार्ट हार्ट पे नहीं लेना ट इज द फर्स्ट थिंग आई लर्न इन माई लाइफ उसके बाद एक चीज मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं आप जरा गर्दन उठाएं और चारों तरफ देखें 95% परसेंट इस पूरे समाज में आपको फेल्योर्स मिलेंगे आप अपने घर में देखें अपने पिता से पूछें अपनी मां से पूछें कि कितनी बार उन्हें फेल्योर का सामना करना पड़ा यू विल सरप्राइज दैट 95% फाइव परसेंट पीपुल इन दिस सोसाइटी आर द पीपल हु हैव फेल्ड इन लाइफ बट दे टुक इन देयर हार्ट एंड दे हैव नॉट टेकन एंड लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट फेलियर, दैट्स वाई दे डोंट दे डी डेंट मूव इन द लाइफ सो फेल्यूर को हमें एक दूसरे ढंग से देखना है हमें फेल्यूर को एनालाइज करना है तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं और वो बहुत साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं पहला तरीका क्या हो सकता है कि वोट हाउ हाउ कैन एन एन आई एनालाइज इट सबसे पहला तरीका यह हो सकता है कि मैं फेलियर को स्क्वायरली देखूं और अपने मन से पूछूं कि मेरा ये जो फेलियर है ये क्यों आया है ये मेरे को क्या कह रहा है What this failure is talking to टॉकिंग टू मी failure is saying to me मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन था एंड आई गॉट सक्सेस वेरी अर्ली इन माय लाइफ लेकिन जितनी जल्दी मैं ऊपर उठा उतनी जल्दी मैं नीचे भी गिरा और सक्सेस के हजार दोस्त होते हैं फेलियर को कोई लेने वाला नहीं होता वहां मुझे अकेलापन महसूस हुआ आई फेल्ट इट कि सबने अपने हाथ मेरे हाथ से खींच ली सारे रिलेशंस अलग हो गए सो वट आई डिड आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट कि वाई इट इज हैपनिंग टू मी ये पहले तो ऐसा नहीं होता था तो इस फेलियोर के चलते ऐसा क्यों हुआ कि सबने मेरे से देखना मेरे से बात करने का ढंग सब कुछ कैसे बदल गए देन आई रियलाइज्ड कि चूंकि इस समाज में सारे लोग फेलियोर्स हैं तो और उन्होंने कभी फेलियोर के बियॉन्ड नहीं सोचा है उन्होंने कभी फेलियोर के आगे की नहीं सोची है तो फिर जब कोई दूसरा आदमी फेल होता है तो फिर उन्हें रास्ता नहीं दिखता कि अब इसके आगे क्या उन्हें चारों तरफ तो तो ब्लॉकेट दिखता है तो ऐसा नहीं कि सारे लोग दुश्मन हैं हमारे उनको पता ही नहीं चलता है कि यह फेलियर के आगे क्या करना है दैट्स वाई आई से जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म देखी छिछोरे तो उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत फादर है जो बोल रहा है कि सक्सेसफुल होने के बाद तो जिंदगी के बहुत सारे प्लान हैं सबके पास लेकिन अगर कहीं फेल हो गए तो फिर किसी के पास कोई प्लान नहीं है और ये फेल्योर की ट्रेनिंग स्कूलों में नहीं दी जाती ये फेल्यूर की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटीज में नहीं दी जाती जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में चूंकि मैं जब सक्सेसफुल होने जाऊंगा तो फेल्यूर मुझे रास्ते में मिलेगा लेकिन इस फेल्यूर का मैं करूं क्या दैट इज बिग क्वेश्चन दैट मस्ट बी आस्ट सब लोग फेल्योर को दिल पे ले लेते हैं जबकि फेल्यूर को दिमाग पे लेना है इसलिए इट इज राइटली सेड दैट देर इज नो अचीवमेंट इन लाइफ विदाउट फेल्यूर फेल्योर के बिना अचीवमेंट आप आप जरा देखें अब्राहम लिंकन की लाइफ को सौ में नब्बे बार फेल्योर आप माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल सुपरस्टार 90 परसेंट फेल्यूर इन लाइफ स्टीव जॉब्स 90 परसेंट फेलियोर इन लाइफ महेंद्र सिंह धोनी 90 परसेंट फेलियोर टिल ही बिकम सक्सेसफुल सो लाइफ में का एक लॉ है दैट दैट आई कैन से दैट इज ह्यूमन लॉ ऑफ लाइफ ये जो लाइफ में फेल्योर आती है लाइफ की जो मिस्टेक्स है ये क्या है दिस इज लेसन ओनली और अगर हमने लेसन को पहली बार में नहीं सीखा तो दूसरी बार में ये हार्ड होता जाएगा और हम तब तक फेल होते जाएंगे तब तक मिस्टेक करते जाएंगे जब तक कि हमने उसे सीख नहीं लिया और जिस दिन हम सीख जाएंगे अपनी मिस्टेक से उस दिन से हम बदल जाएंगे दीज आर द फोर लॉ दैट मिस्टेक्स आर नथिंग बट लेसन मिस्टेक्स विल कॉन्टिन्यू टिल आई डोंट लर्न

फेल्योर चेंजेस। फेल्योर से ही आदमी बदलता है एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि फेल्योर कैसे बदलता है आपको अगर मैं बोलूं कि मैं मुझे जीरो नंबर आया और अगले एग्जाम में हंड्रेड आया अगर मुझे उस जीरो के बदले थर्टी नंबर या फोर्टी नंबर या फिफ्टी नंबर आया होता तो मैं हंड्रेड नंबर अचीव नहीं कर पाता बिकॉज वो सेटबैक मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया क्यों चूंकि 99 डिग्री टेम्परेचर तक पानी भाफ में नहीं बदलता लेकिन जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर होगा पानी अपना स्वरूप बदलने लगता है तो फेलियोर के साथ भी ऐसा ही है फेलियोर तब तक आता रहेगा जिंदगी में फेलियोर विल कीप यू नॉकिंग यू फेलियोर विल कीप यू नॉकिंग यू अंटिल यू विल डोंट चेंज यूर सेल्फ इसलिए लोग बोलते हैं कि सर मेरी जिंदगी बड़ी खराब है मैं हमेशा ही फेल होता रहता हूं मतलब वो इग्नोरेंट लोग हैं वो देख नहीं रहे हैं कि फेल्योर मेरे दरवाजे पे जो आ रही है वो नॉक कर रही है कि तू बदलता क्यों नहीं है तू बदलता क्यों नहीं है एंड दे डोंट चेंज दैट्स वाई दे कॉन्टिन्यूसली मीटिंग द फेल्योर्स इन लाइफ सो हमें फेल्योर से सीखना है तीसरी चीज फेल्योर या तो आगे होगा एक होता है फेलिंग फॉरवर्ड एक होता है फेलिंग बैकवर्ड तो फेलिंग फॉरवर्ड विल लीड टू सक्सेस बट फेलिंग बैकवर्ड विल लीड टू डिवास्टेशन इन लाइफ तो जो बैकवर्ड फेल होता है वो क्या कहता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो पीछे फेल होता है दैट तो वो क्या करेगा ब्लेम करेगा मेरे टीचर ने पढ़ाया नहीं ना इसलिए मुझे जीरो नंबर आ गया ब्लेमिंग बट जो फॉरवर्ड फेल कर रहा है जो सक्सेसफुल होना है आगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं सर मेरी गलती है आपने तो मेहनत किया था सर मैंने ही कुछ नहीं किया सर आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ जो अब इससे होगा क्या इससे होगा जिसने ब्लेम किया है जो बैकवर्डली फेल हुआ है वो क्या करेगा वो बार बार फेल होगा बिकॉज ही इज नॉट ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर वो फेल करेगा लेकिन जिसने फेलिंग फॉरवर्ड जिसने आगे के तरफ फेल किया है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है वो क्या करेगा फेलियर को लेसन बना लेगा और वो फिर सेम गलती नहीं करेगा वो गलतियां करेगा लेकिन सेम विल है जो पीछे की तरफ फेल करता है और फेलियर को देखते ही घबरा जाता है वो क्या करेगा अब झूठ बोलना शुरू करेगा ही विल बिकम कंसिस्टेंट लायर अपना इंटीग्रिटी खो देगा लेकिन जो फेलिंग फॉरवर्ड है जो आगे फेल कर रहा है, जो सक्सेस की तरफ है फेलियर से कुछ सीख रहा है, वो क्या करेगा हमेशा फेलियर फेलियर को मान के चलेगा कि एक टीचर है और वो मुझे कुछ सिखाने आया है तो वो फेलियर से फाइट नहीं करेगा वो फेलियर को अपना दोस्त बना रहेगा देन वट विल हैपन जो बैकवर्ड ही फेल कर रहा है वो क्या करेगा वॉट विल बार, -बार आ रही है उसकी जिंदगी में अब वो रिस्क लेना बंद कर देगा अब उसको डर लगने लगेगा अब वो भागने की सोचेगा अगर वो बार बार फेल करेगा तो अब स्कूल नहीं जाना चाहेगा अगर किसी सब्जेक्ट में बार बार फेल कर रहा है तो उस टीचर से डर के भागेगा किसी दोस्त के पास नहीं जाएगा अलूफ हो जाएगा अपने आप हाँ में रहेगा जो फेलिंग बैकवर्ड है लेकिन जो फेलिंग फॉरवर्ड है जो उस फेलियर को अपना दोस्त बना चुका है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है वट विल ही विल डू वो रिस्क लेगा ही विल स्टार्ट ट्राइंग समथिंग न्यू थिंग बिकॉज वो जानता है कि मैं फेल करूंगा लेकिन मैं कुछ सीखूंगा मैं फिर उठूंगा सो फेलिंग फॉरवर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ फेल्योर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट फेलिंग फॉरवर्ड हम फेल इसीलिए ग्रेटनेस में और मेड्यूक्रिटी में जो फर्क है वो व्यू है हमारी एटीट्यूड है कि हम फेलियोर को कैसे लेते हैं चूंकि ग्रेट लोग और एक ऑर्डनरी लोग फेल्योर को जिस तरीके से सोचते हैं वही उन्हें ग्रेट और उन्हें फेल्योर और ऑर्डनरी बनाता है दैट वेरी सिंपॉर्टेंट सो वॉट इज फेल्योर फेल्योर इज नथिंग बट अ प्रोसेस लाइक सक्सेस सक्सेस में क्या होता है जस्ट यू एनालाइज सक्सेस फॉर फ्यू मिनट्स सक्सेस की परिभाषा अगर मेरे अनुसार मैं दू तो सक्सेस मींस नोइंग द पर्पस ऑफ लाइफ फर्स्ट स्ट देन सेकंड ग्रोइंग सेल्फ टू द बेस्ट पोटेंशियल मैं अपने आप को उस पोटेंशियल के ऊपर यानी जितना मैं कर सकता हूं उस लेवल पर पहुंचू एंड देन वॉट आई डू आई विल सो द सीड्स विच बेनिफिट्स अदर्स यानी मैंने जो अपनी जिंदगी से सीखा है और अगर सफल हुआ हूं तो लोगों का कितना फायदा होता है यही तीन स्टेप है दैट इज द जर्नी ऑफ सक्सेस सो सो द सेम थिंग विथ फेल्योर हम फेल्योर में अपनी वैल्यू सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि वॉट इज माई वैल्यू क्या मैं इस फेल्योर सेल्फ स्टीम यानी अपने आप का प्यार मेरा कम हो गया या बढ़ गया फिर हम क्या करते हैं अपनी एफर्ट्स की एनालिसिस करते हैं कि मैंने क्या इसमें एफोर्ट नहीं लगाया था या एफोर्ट जितना लगना था क्या कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई थी सो आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग माई एफर्ट्स एंड देन आई विल डू आई विल डू रिवॉर्ड एंड रिप्रीमेंड माई परफॉर्मेंस सो परफॉर्मेंस के अनुसार मैं अपने आप को देखूंगा एंड देन आई विल रिवॉर्ड सो आई रिक्वेस्ट दैट यू शुड स्टार्ट रिव्यूइंग इट फिर मैं रिपीट करूंगा फेलियर को दिल से नहीं फेलियर को दिमाग से देखना है जिसने भी फेलियोर को दिल से देखा वो एक फियर के साइकिल में फंसता है और वो फियर का साइकिल क्या करता है जैसे मैं फेलियर हुआ और दिल से लिया तो व्हाट विल हैपन इन एक्शन नहीं जी मैं अब नहीं कुछ करूंगा मैं जो भी करता हूं फेल हो जाता हूं मेरे से ये नहीं होगा इन एक्शन अब मैं कुछ इन एक्शन लूंगा कुछ करूंगा नहीं तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा दैट विल लीड टू इन एक्सपीरियंस एंड देन वॉट एव विल हैपन इन एबिलिटी हो जाएगी यानी मैं अब कुछ भी काम करने लायक नहीं रहा अब मैं हमेशा हर चीज से डरूंगा आई विल फियर फ्रॉम एवरीथिंग एंड अल्टीमेटली आई विल फील फ्रस्ट्रेशन आई विल फील फटीग एंड आई विल बी डिवास्टेटिंग माई सेल्फ एंड आई विल बी फिनिस्ड इन माई लाइफ So, दिल से नहीं लेने का है दिमाग से लेने का है फेलियर को मैं सिंपल एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू डील एंड हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ सेल्फ वेन यू आर मीटिंग द फेलियर गेट मूविंग जब भी फेल करें रुके नहीं जब फेल करें तो अपनी स्पीड बढ़ा दे सो दैट यू कैन बिल्ड अ मोमेंटम और जैसे मोमेंटम बिल्ड हो फिर फेल करेंगे आप क्योंकि रास्ते में रुकावट आएगी सो कीप फेलिंग एंड keep moving in life and reach towards your goal so get moving build momentum keep failing make failure a life lesson and keep moving in life and become what you wanted to become in your life thank you for watching this mastery session and i hope that you have learned something what is failure in life मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी लाइफ से मास्टरी सेशन इफ यू वांट टू अटेंड बिकॉज मैं स्कूलों में कॉलेज में वर्कशॉप लेता हूँ सो इफ यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज दिस सेशन ऑल्सो फॉर इन इन स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स कॉलेज सो आई गिव आई लव माई सेल्फ सेल्फ मास्टरी सेशन मैंने इसी के लिए किताब लिखी है आई लव माई सेल्फ सेल्फ मास्टरी बुक सिक्सटी डेज में कैसे अपने आप को देखना कैसे अपने आप को चेंज करना सो इफ यू आर विलिंग टू बाय दिस बुक नीचे दिए हुए नंबर पे आप फोन करें दैट विल बी कोरियर टू एट होम मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी फीडबैक दें कि हाउ यू लर्न सो आज के सवाल के साथ मैं छोड़ के जाता हूँ अगर आप भी फेलियर हो रहे हैं अपनी लाइफ में तो अपने दिमाग को यूज़ करें अपना दिमाग यूज़ किया क्या अगर आप फेल हुए हैं तो क्या आपने अपना दिमाग यूज़ किया कभी दिल से नहीं सोचें दिमाग से सोचें थैंक यू गॉड ब्लेस यू